HR News YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए एम्स पे लेके हमारे साथ पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव मौजूद हैं चर्चा करने के लिए, क्योंकि एम्स का विवाद लगातार गहराया हुआ है और कल स्थानीय सांसद का भी बयान आया है कि एम्स के लिए दूसरी जगह भी तलाशी जा रही है, तो उसको लेकर के एक बार सीधा बात करते हैं। क्या कैप्टन साहब का कहना है, क्योंकि लगातार कैप्टन अजय सिंह यादव इस बात का मुद्दा उठा रहे थे कि एम्स कहीं ना कहीं विवादों में पड़ेगा, जो स्थिति आज कहीं ना कहीं सामने भी आ रही है। चुनाव प्रचार में भी कैप्टन अजय सिंह यादव ने लगातार इस बात का मुद्दा उठाया था एम्स को लेकर के, कहीं ना कहीं वो स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है। एक बार फिर उनसे हम चर्चा करते हैं, क्या कैप्टन साहब का कहना है। कैप्टन साहब क्या कहेंगे, जिस तरीके से कल फिर सांसद साहब का बयान आया कि दूसरी जगह भी हम तलाशी जा रही है, ऊपर लेवल पर बात की जा रही है, क्या कहेंगे जिस तरीके? एक तो राव इंद्रजीत सिंह को सार्वजनिक रूप से इस इलाके से माफी मांगनी चाहिए, जो उन्होंने एक गलत चिट्ठी लाके दिखा दी, प्रधानमंत्री मोदी का हवाला दिया, अरुण जेटली का उन्होंने जो है हवाला दिया, बजट में कहते हैं प्रोविजन हो गया, प्लानिंग कमीशन से कोई अप्रूवल नहीं मिला जबकि प्लानिंग कमीशन के मंत्री हैं। तो अब जो है इन्होंने यू टर्न कर दिया, अब ये कह रहे हैं कि हम देखेंगे कहां बनता है, लेकिन बनेगा हरियाणा में। कहने का क्या मतलब है भाई? मैंने ठीक है, लोगों ने तो किसी दूसरे आदमी की तो वहां पर जब हम गए अपना चुनाव के अभियान के दौरान, तो उन्होंने कहा जी हम तो पंचायत कर चुके हैं, एक आदमी की बात सुनेंगे बस, राव इंद्रजीत सिंह की। वो तो कुछ हमारे जो हैं, कुछ हमारे कुछ साथी थे वहां, कुछ हमने रिजल्ट ढूंढ के वहां मीटिंग करी और वहां मैं कह के आया ठोक के कि भाई ये जो है इसको सुप्रीम कोर्ट की बेंच से परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की, ये बनाई हुई कमेटी है, उसने रिजेक्ट कर दिया है। अब ये इसके बहाने मारते हैं, इनके बनवारी लाल जी जो है वो झूठ बोलते हैं वहां जाके मंत्री को, मंत्री जो है इन्होंने जो है अपने इस शासन काल के दौरान कोई काम नहीं किया, केवल लोगों को बेवकूफ बनाया। बस स्टैंड का जो है पत्थर का मुख्यमंत्री जी ने, आज तक बस स्टैंड नहीं बना। कौन सा एक भी काम प्रोजेक्ट राव इंद्रजीत सिंह जी लेके आए हो मुझे बता दीजिए। तो राव इंद्रजीत सिंह जी जो है, मैं कहता हूं फर्जी राजा है, फर्जी है। तो क्या लगता है, जिस तरीके से चाहे सैनी स्कूल की बात हो, बस स्टैंड की आपने बात करी, तमाम और परियोजनाएं हैं, क्या लगता है हर बार अहिरवाल को इसी तरीके से छला जाएगा? ये तो लोगों की मानसिकता इस तरह की होगी, मैं क्या कर सकता हूँ। लोग अगर छलवे मारते हैं क्यों आते हैं छलवे भाई, जो पता ये ना किसी से मिलता ना जुलता है। अब जो है अपनी लड़की को चुनाव लड़ाना चाहता है, इसलिए धन्यवाद कर दिया एक दिन रेवाड़ी में, हो गया काम भाई। कभी जैसे मैं तो चुनाव हार गया, मैं यहां चार दिन बैठता हूं रेवाड़ी में, कभी किसी की बिजली की समस्या, किसी की पानी की समस्या, कि जो कोई कहता है जी मेरा वीसी से कहो, उससे कहो, उससे कहो, हम काम करते हैं, फिर भी लोगों से मिले, यहां उससे तो मिलने में टोटा है। लेकिन एम्स को लेकर तो अभी भी वो तो विपक्ष पर ही आरोप लगा रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहा है, या वो हार से हताश है इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या लगता है, ये राजनीतिक लड़ाई है या फिर? भैया अब इनका एक उम्मीदवार है जिसको जनता एक होम गार्ड के बंदे को बोर्ड पे पटक के आगे तक ले गया, ऐसे उम्मीदवार हैं इनके। अगर वो अभी सत्ता में कुछ बने नहीं है, इनके यहां चार तो एमएलए हैं, अरविंद कहता मैं एमएलए हूं, काबड़ीवास कहता मैं एमएलए हूं, खोड़ा कहता मैं एमएलए हूं, और इंद्रजीत कहता मेरी छोरी आरती राव यहां एमएलए, यहां चार तो एमएलए हैं, यहां कोई पता ही नहीं, प्रशासन इनके काबू का नहीं है। कानून व्यवस्था बुरी तरीके चरमरा गई है, आपने देखा होगा किस प्रकार से कौशल गैंग आजकल हरियाणा के अंदर जो है वो रोज आपके यहां रेप, आपका ये हॉस्पिटल देख लीजिए आप, जो मैंने बनाया था हॉस्पिटल, आज उसकी वजह से आज यहां इतनी ओपीडी हो रही है, वरना यहां था क्या? यूनिवर्सिटी मैंने बनवाई, हॉस्पिटल मैंने बनवाया, ट्रॉमा सेंटर मैंने बनवाया, पॉलिटेक्निक मैंने बनवाया, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, मिनी सेक्रेटरिएट, आपका सैनिक स्कूल, मुझे एक काम बनवा दे रहा हूं इंद्रजीत सिंह जो उसने करवाया, क्या अधिकार है उसको वोट लेने का? लोग कहते हैं साहब मोदी को वोट दिए, अब मोदी आएगा यहां एम्स बनाने के लिए, बुलाओ ना मोदी को, कहां है मोदी? मोदी को वोट दिया था ना, अब मोदी से एम्स बनवा ले,
भाई एम बनवाएगा कौन, आपकी कौन कार्रवाई करेगा, या तो इंद्रजीत करेगा या कैप्टन अजय सिंह करेगा। राव इंद्रजीत सिंह से तो उसको तो लेना देना नहीं है, वो तो कह रहा है मेरा आखिरी चुनाव था बस। इलाके के पिछड़ेपन की बात होती है लगातार, क्या कहेंगे, क्या कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति इसमें अड़े आ रही है। आज एक एम्स है जितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अहिरवाल के लिए बहुत बड़ी परियोजना इसको माना गया था कि अहिरवाल क्षेत्र को एम्स मिलेगा, अपने आप में एक ऐतिहासिक परियोजना है, और आज उस पर संकट के बादल, क्या लगता है बन पाएगा कभी अब भाई? ये वो जो पंचायत थी जो इस पर भरोसा करके जिन्होंने धरना उठाया था, एक तो उनको इलाके का जवाबदेही, वो भी जवाबदेही है इस बात के लिए कि भाई उन्होंने जब धरना उठाया 127 दिन धरना पे हमारी बेचारी महिलाएं धूप में बैठी हैं। राव इंद्रजीत ने यहां की भावनाओं पे को धोखा दिया, पंचायत को गुमराह किया, और वहां पर जो है मैंने कहा कि मैंने 6 तारीख को धरना पे बैठा था, इंद्रजीत सिंह जी ने 4 तारीख को एक दो दिन पहले आके धरना उठवा दिया कि हम लोग वहां नहीं, धरने पे हम गए, कम से कम 4 लोग, इंद्रजीत एक बार धरने पे नहीं गया, एक दिन जो है फर्जी चिट्ठी लाके दी थी, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रखी है, लेटर लिए हाथ में, वो कहां है चिट्ठी? लेकिन अब आपके धरने पे जाने को लेकर के भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जब कैप्टन अजय सिंह यादव को पता था कि ये एम्स नहीं बनेगा, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, तो वो समर्थन के लिए धरने पर क्यों गए, उसको भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। अरे भैया ऐसा है, मुझे आप तक कहां बढ़ा रहे हैं, मुझे ये बताया था पंचायत की लैंड है, ये तो बाद में पता लगा ना कि भाई फॉरेस्ट लैंड है। मुझे पता होता कि पंचायत ने तो फॉरेस्ट को दे रखी थी लैंड। अब इसका कोई अल्टरनेट कोई हल नजर आ रहा है आपको? भाई आप भी वित्त मंत्री रहे हैं, तमाम विभागों में आप रहे हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस बेंच इसको याद नहीं देगी यहां कुछ नहीं हो सकता। दूसरा एक सवाल करेंगे कैप्टन साहब, आपको लेकर के लगातार मीडिया में या सोशल मीडिया पे प्रचार हो रहा है कि कैप्टन अजय सिंह यादव या पार्टी के और भी नेता कहीं ना कहीं छोड़ने की, जिस तरह की खबरें आ रही है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो लगातार मेरी करण चौधरी से बात भी हुई थी, उसने मना किया है, मैं जो है कल मैंने खुद खंडन किया, मैंने इनके जो चंडीगढ़ में इनके संवाददाता है उनसे बात करी मैंने, भाई जी आपने खबर कैसे लगाई कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, और जी हमें तो पता नहीं दिल्ली से लगी है, तो फिर दिल्ली से लगी है तो दिल्ली के जो संवाददाता वो बता दें, क्या कैप्टन अजय सिंह कोई पंजाब किसी को बता के जाएगा किसी पार्टी में? मैं तो तब था जब कांग्रेस में केवल 3 एमएलए थे, तब भी कांग्रेस में था, हम तो कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में रहेंगे। क्या आपकी पार्टी में जो गुटबाजी है उसको लेकर के क्या भ्रमित प्रचार किया जा रहा है, ये कोई षड्यंत्र पूरा मानते हैं? मैं तो कहीं ना कहीं मुझे ये नहीं पता कि किसने किया है, लेकिन जिसने भी किया है उसने गुमराह किया था। एचआर न्यूज चैनल पे आप पहले भी इस चीज का खंडन कर चुके थे, लेकिन लगातार फिर भी उसके बाद खबरें आ रही है, क्या कुछ साजिश आप मानते हैं इसको लेकर के? क्योंकि आपके साथ साथ और भी नेताओं को, कुलदीप बिश्नोई का भी नाम आ रहा है, किरण चौधरी का भी, क्या लगता है पार्टी में बिछाव करने की स्थिति के लेकर के जो प्रचार? ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ होने वाला नहीं है इन बातों से, केवल जो है कोई व्यक्ति है उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ होगा, उसके लिए कोई कर रहा है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक कैप्टन साहब शहर की कानून व्यवस्था को लेकर भी कल आपने विज्ञप्ति जारी करी है, क्या कहेंगे? प्रदेश में कानून व्यवस्था है, एक के बाद एक वारदात लगातार हो रही है, गैंगवार हो रही है, रोज गैंगवार हो रही है, आपके यहाँ कौशल गैंग यहाँ सक्रिय है, आलू गैंग है वो यहाँ सक्रिय है, एक कोई और भी है, 3-4 गैंग यहाँ सक्रिय हो रही है एक दूसरे ऊपर, रोज जो है फिरौतियां ली जा रही है। सबसे बड़ा तो कारोबार है आपका, ये जो चिट्ठा जो होता है, जो आपका नशा है, उसका जो है सबसे बड़ा कारोबार आज के दिन रेवाड़ी में, उसके बारे में यहाँ के एसपी को कार्रवाई करनी चाहिए, पकड़े ऐसे जो नौजवान बच्चों को खराब कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों को भी खराब कर रहे हैं। मुझे पता लगा है कि रेवाड़ी के अंदर नशा का जो है इतना भारी जो है रोल चल रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा, बच्चों को खराब किया जा रहा है, बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। तो मेरी अभी से ही चेतावनी है सरकार को भी, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि ऐसे व्यक्तियों को पकड़ के सलाखों के छुड़ा लें। सर जनाब आखिर सवाल करेंगे, 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, करीब 100 दिन बचे हैं, क्या रणनीति है कैप्टन अजय सिंह यादव खुद लड़ेंगे या बेटे चिरंजीव राव को चुनाव लड़ाएंगे, क्या तैयारी के अंदर है? क्योंकि
मौजूदा जो पार्टी है उसके भाजपा दिन और रात लगे हुए हैं चुनाव को लेकर के, 75 बार की बात की जा रही है दोबारा मनोहर सरकार की, आपकी क्या रणनीति है रेवाड़ी से? हम क्या घर बैठे हुए हैं क्या? हम भी काम कर रहे हैं और लड़ेगा, जिसको पार्टी टिकट देगी वो लड़ेगा, मुझे पार्टी टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा, और चिरंजीव को देगी तो चिरंजीव लड़ेगा, जिसको पार्टी टिकट दे देगी वो लड़ेगा। पार्टी की एकजुटता को लेकर क्या तैयारी है? कोई सब फर्स्ट क्लास काम है, राउत जी से मिलनी है हम लोग, सब मामला ठीक हो जाए। तो ये थे हमारे साथ कैप्टन अजय सिंह यादव, पूर्व मंत्री, जो साफ तौर पे कहना है कि चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR News रेवाड़ी।